बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। ये पेज 211 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कहते हैं आपने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि आप उनकी वैल्यू मालूम करें कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर। तो कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल नहीं करना, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि आप उसे डेराइव करें, जैसे कि बुक में किया हुआ, ठीक है ना। अगर वो है तो मेरा ख्याल हमें यहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने वीडियो में पिछले देख लिया तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि टेबल को कंसल्ट करें, कंसल्ट टेबल जो बुक में पेज 210 पे बना हुआ है, या आपके पास और भी टेबल्स होंगे तो उसमें भी आपको ख़ास बात नहीं है। इसमें साइन 30 देख लें, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर साइन 31/2 लिखा है और यही पीछे जवाब है। तो आप मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर हमें मेरा ख्याल टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है। आप सिंपली वैल्यूज़ देख लें टेबल से और इसको हल कर लें, लाजम मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत आसान है। ये यूँ कहता है कि आप 2 sin 60 cos 60 की वैल्यू निकालें। अब 2 आ गया, साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखें क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल में देखें, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 2 से कट गया, √3/2। तो ये इसका जवाब आ गया। मैं जवाब चेक करता हूँ, जी। अब ये इतने आसान सवाल हैं कि मुझे लगता है कि इनके बिल्कुल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मतलब टाइम लगाने की। सिंपली आपने वैल्यूज़ रिपोर्ट करनी है ना। जैसे अगला है 2 cos 60 sin 60। तो ये cos 60 sin 60, ये sin 60 cos 60 था, फ़र्क क्या, कुछ भी नहीं। वैल्यूज़ डालें तो जवाब आ जाएगा काट के, मतलब बेसिक एरिथमेटिक है, इसमें कुछ भी करने को नहीं है। लिहाजा इसके सारे पार्ट्स भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। अगर ये है तो फिर आप कीमत मालूम करें जी, किस चीज़ की, 2 sin 45 degrees + 2 cos 45 degrees। अब ये भी उसी तरह उसी लेवल का सवाल है, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए सवाल बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है ये। 2 sin 45 की क्या वैल्यू है, 1/√2 प्लस 2 cos 45 की क्या वैल्यू है, ऐसा ही है ना। तो ये 2/√2 + 2/√2, तो इसको हल कर लें। ये क्या आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। वो कैसे, ये इससे कैंसिल हो गया तो इधर √2 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया √2 आ गया, तो √2 + √2 2/√2 आ गया। नहीं समझ आई, इस तरह देख लें, √2 इसका नीचे आ गया ना, तो 2 + 2 4 4/√2। तो ये क्या होगा, 2 × 2/√2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 × √2/√2। ये से कैंसिल हो गया तो ये जवाब आ गया, ये वही वाला जो जहाँ पे आया था। तो अब ये इतने आसान सवाल हैं कि मेरा ख्याल है कि इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। 3 cos 45 degrees + 4 sin 45 degrees। तो 3 cos 45 1/√2 + 4 sin 45 1/√2। तो इसको सॉल्व कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरा वाला पार्ट है 5 cos 45 degrees - 3 sin 45 degrees। तो 5 cos 45 1/√2 - 3, ये हर तीसरी चौथी जमात का या पांचवी जमात का सवाल है।
इसे हल कर लें। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो से 8.4 शुरू करेंगे टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम।